उनका बहुत सम्मान करते हैं और अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाता है तो हम मुसलमान साथ हैं उनके। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विपक्ष दलों का गठबंधन इंडिया बना है, और बात करें यूपी की तो यहां गठबंधन में सपा, रालोद और कांग्रेस साथ है, लेकिन बसपा ने अभी तक इंडिया गठबंधन और एनडीए से दूरी बना रखी है। जबकि कई बार कांग्रेस बसपा को अपने साथ गठबंधन में लाने की पुरजोर कोशिश करती दिखी है, लेकिन अब चर्चा ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी एक अलायंस बना सकती है जिसमें बसपा का साथ देगी एआईएमआईएम, क्योंकि एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की है। उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाता है तो हम मुसलमान साथ हैं उनके। एआईएमआईएम नेता असीम वकर ने आगे कहा कि यूपी के मुसलमानों की राय है कि मायावती पीएम बने, वो दलित के साथ एक अच्छी प्रशासक रही हैं। अगर मायावती को पीएम फेस के तौर पर पेश किया गया तो बीजेपी के पांव कांप जाएंगे। मुसलमानों को मायावती जी के बारे में इतना कहना है कि मायावती जी बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगी, उनको बनाना चाहिए। आपकी पार्टी की क्या तैयारी 2024 लोकसभा? भाई मायावती के बारे में एक बात बताऊं आपसे, एक तो वो दलित हैं, आजमाई भी प्रशासक हैं, बढ़िया नेता रही हैं और महिला हैं, तो मोदी जी के सामने अगर मायावती को पेश किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के वैसे ही कदम कांप जाएंगे। इसके साथ ही असीम वकार ने बताया कि अगर मायावती पीएम फेस के साथ सामने आई तो गिनती ही 35% वोटों से शुरू होगी, क्योंकि 15% तो उन्हीं की बिरादरी दलित उनके साथ है और 20% मुसलमान साथ होगा, और अगर बाकी भी साथ आए तो बीजेपी को आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। और मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाता है तो 20% मुसलमान और 15% मायावती जी का अपनी बिरादरी, 35% से तो गिनती शुरू हो रही है। आप समझिए कि 35% खाली मायावती जी की कास्ट और मुसलमान मिलकर शुरू हो रहे हैं, बाकी अगर जो लोग उनके साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से एक शिकस्त दी जा सकती है। एआईएमआईएम नेता के इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि अगर दोनों आगामी चुनाव में एक साथ आ गए तो बीजेपी के साथ साथ गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी।